सुस्वागतम आप सभी का करता हूं मैं करदम रावल एक ऐसे YouTube चैनल के अंदर जहां पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा UPSC और बैंकिंग एग्जाम्स का ज्ञान और करंट अफेयर का नॉलेज UPSC IAS एग्जाम्स YouTube चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल मरीनटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर जो है कुछ नए रेगुलेशंस ला के रखे है जो 1 जनवरी 2020 से इम्प्लीमेंट करने कंपल्सरी हो जाएंगे। इसके पीछे जो कारण है वो है स्ट्रिक्ट कार्बन इमिशन रूल्स। तो यहाँ पर जो है अब पूरी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले समझ लेते हैं कि IMO क्या है। ये एक इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे नाम में इंटर गवर्नमेंटल मरीन टाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन IMCO भी कहा जाता था 1982 के टाइम पीरियड तक। ये एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेसिफिक विंग है जो स्पेशल तरीके से काम करती है जिस तरीके से ऑयल्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है बाय द मोड ऑफ शिपिंग। तो ये जो है 1948 17 मार्च से ये कार्यरत हुआ था और 70 साल के ऊपर इसकी आयु हो चुकी है। इसके जो जनरल सेक्रेटरी है उनका नाम है किटेक लिम। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है यूनाइटेड किंगडम के अंदर और इसकी जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि ये अल्टीमेटली आता है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली न्यू रेगुलेशन ऑन फ्यूल ऑयल यहाँ पर बताया गया है। तो दो चीजें जो है यहाँ पर जो है उन्होंने पेश की है जो 1 जनवरी 2019 से जो है ये काम में आएगी। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ABC तीन तरीके की कैटेगरीज होती है जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज अपना नाम दर्ज कराते हैं। तो इंडिया जो है अभी B कैटेगरी के अंदर इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर कैटेगरी जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी और एनवायरमेंट पर्पस को शो करती है। इसके जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अभी चेंजेस आया है। 40 कंट्री इसके जो है मेंबर है और यहाँ पर जो है मेनली दो रिसेंट रेगुलेशंस जो आए हैं रीसेंट अमेंडमेंट के रूप में वो है एग्जॉस्ट गैस क्लीनिंग सिस्टम यानी कि जो भी शिप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है ऑयल को लेते हुए तो उस शिप के अंदर एग्जॉस्ट गैस क्लीनिंग सिस्टम होनी चाहिए और ये हर किसी शिप के लिए जो ऑयल लेके जा रही है उसके लिए कंपलसरी होगा। दूसरा यहाँ पर चेंज है कि 0.5% सल्फर बंकर ऑयल तक की लिमिट ही यहाँ पर सेट की गई है यानी कि जो ऑयल का ब्लेंडर मिक्सचर यूज होता है शिपिंग के दौरान और जो ऑयल एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर होता है जो क्रूड ऑयल ट्रांसफर होता है उसके अंदर सिर्फ 0.5% सल्फर ही होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये काफी सारी महंगाई को आमंत्रित करती है क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट गैस क्लीनिंग सिस्टम जो है इसके अंदर रिक्वायर्ड होगा कि स्क्रबर को फिट किया जाए। तो स्क्रबर जो है ये हर किसी शिप के अंदर 1 जनवरी 2020 तक होना चाहिए। तो चैलेंजेस जो है वो है पहले तो इसकी कॉस्ट के रिगार्डिंग क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी क्योंकि इतने ज्यादा शिप्स के अंदर इतनी सारी चीजें रख देना इंस्टॉल करना ये काफी कॉस्टली होगा। इसके कॉस्टिंग के सामने इसका जो ROI होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट वुड बी आल्सो अ चैलेंज कि कितना कॉस्टिंग लगने वाला है उसके सामने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इन चीजों को लगाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट लगेगा और यहाँ पर जो सप्लाई है वो स्लो हो सकती है क्योंकि अब जो है तकरीबन 1 साल का समय यहाँ पर बचा हुआ है। तो 1 साल के समय के अंदर सभी शिपों को इससे सज करना ये इतना ईजी नहीं होगा और यहाँ पर कुछ ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक इश्यू भी देखने को मिल सकते हैं। अब 2 से 5 मिलियन US डॉलर्स का यहाँ पर जो है कॉस्ट लग सकता है। तो इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से ये काफी एक्सपेंसिव चीजें हैं। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर जो है वो सही मायनों में टाइम पर कंप्लीट करना ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने टाइम फ्रेम के अंदर हर किसी चीज को इससे सज कर पाना मुमकिन नहीं होगा। काफी सारी अनसर्टेनिटीज जो है वो ग्लोबल रिस्पॉन्स के रूप में देखने को मिल सकती है। बड़े बड़े जो कंट्रीज है उनका भी ये मानना है कि ये जो टाइम फ्रेम दिया गया है जनवरी पहली तारीख 2020 तक का ये पॉसिबल नहीं है वहां तक कंप्लीट कर पाना। और दूसरी यहां पर जो चीज है वो है कि यहां पर डिमांड करी जा रही है कि भाई टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए क्योंकि यहां पर जो बिल्डिंग टाइम रहेगा इस चीजों को यहां पर लगाने का वो ज्यादा लगेगा तो इसके अंदर टाइम ज्यादा डिमांड किया गया है। अभी जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है कि क्या इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। एक तो होगा ग्लोबल इन्फ्लेशन ग्रोथ जो है इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि ऑल द सेक्टर्स विल बी अफेक्टेड बिकॉज द प्राइस ऑफ फ्रेट इन लॉजिस्टिक कॉस्ट विल इंक्रीज शिपिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑयल की प्राइस भी बढ़ेगी और यहाँ पर जो है ऑयल की प्राइस बढ़ना और जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ना इस तरीके की कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का बढ़ना यानी कि ओवरऑल जैसे ही हमने देखा था 2018 के अंदर जो लास्ट क्वार्टर के अंदर स्टार्टिंग में हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा थी जिसके कारण हर सेक्टर की प्राइस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला था। तो
तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे रीजंस होंगे जिससे महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन जो है वो क्या होने वाला है वो आगे आने वाले वक्त में ही देखेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।